Hello friends, welcome to my YouTube channel Healthy and Tasty Foods में. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक करी. तो चलिए एक करी बनाना शुरू करते हैं. एक करी बनाने के लिए मैंने ये बॉईल करके 6 एग लिया है. इस तरह मैंने बॉईल कर लिया है, इसके छिलके उतार लिए हैं और मैंने ये 6 एग लिया. आप अपनी क्वांटिटी से बना सकते हैं. उसके बाद ये देखिए मैंने 2 बिग स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया. आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं अपने चॉइस के. इसके बाद ये टर्मरिक पाउडर है 1 स्पून, 1 स्मॉल स्पून, 1 स्वाद के अनुसार सॉल्ट है, ये आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर. ये देखिए 2 ऑनियन मैंने कट करके स्लाइस करके इस तरह रख दिया है और 1 बड़ी चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है. ये आप घर में बना सकते हैं या फिर बाजार से के पैकेट से भी यूज़ कर सकते हैं. ये गार्निशिंग के लिए मैंने ग्रीन हरी धनिया ली है और ये 3-4 मैंने ग्रीन चिली ली है. ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं. तो ये मेरी रेसिपी है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे की. अब चलिए बनाओ. तो फिर देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है. कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है. ये देखिए ऑयल गर्म हो गई ऑलमोस्ट. तो सबसे पहले जो मैं हमेशा करती हूँ इसमें टर्मरिक डालूंगी, क्योंकि एक ये टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. क्योंकि इससे क्या बाद में जो सब्ज़ी आप डालोगे वो उसके तेल की गर्म छींटे आप पे नहीं आएंगी, इसलिए मैं सबसे पहले टर्मरिक डालती हूँ. तो फ्रेंड देखिए मैंने बॉयल एग इसमें डाल दिया जो मैंने टर्मरिक डाला था ऑयल के साथ. इसमें पहले मैं बॉयल एग डालूंगी और उसको अच्छे से फ्राई करके निकालेंगे. ये देखिए बॉयल एग डालिएगा तब एक को पहले बीच से आप कट कर दीजिए. ये देखिए मैंने कट कर लिया ताकि एक को बाहर से ये फट जाती है और ये बाहर फैल जाती है. इस तरह इसके सावधानी के लिए या एक को बीच से कट कर सकते हैं और इस तरह एकदम फ्राई कर लीजिए. और साथ में 1 पिंच सॉल्ट डाल दीजिए ताकि इसमें सॉल्ट का टेस्ट रहे. ये देखिए सर ये मेरी एक ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गई. मैं इसे फूल से ऐसे करके निकालूंगी. ये देखिए मैंने सारे एक निकाल दिए हैं. अभी इसी ऑयल में मैं ऑनियन डालूंगी और ऑनियन डालने समय आप गैस को लो फ्लेम में कर दीजिए ताकि तेल ज़्यादा फ्राई नहीं हो. इस तरह आप ऑनियन, इस तरह मैंने ऑनियन और ये जो मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो मैंने ऑयल में डाल दिया और हमारी फ्लेम गैस की अब लो ही रखेंगे. और साथ में हम जो बची सॉल्ट है ये देखिए ये हम इसमें डाल देंगे ताकि ऑनियन को ढक के जब फ्राई करेंगे तो ऑनियन हमारी अच्छे से पक जाए. तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमारी ऑनियन कितनी फ्राई हो गई और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने डाला था. ये देखिए एकदम सॉफ्ट लग गई है. ये देख सकते हैं एकदम अच्छे से हो गए. उसमें हम मसाला ऐड करेंगे. ये मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, ये जीरा पाउडर डाला और ये रेड चिली पाउडर. इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे. तो देखिए ये 5 मिनट तक मैंने ऑनियन के साथ मसाले सारे फ्राई किए. ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है. अब इसमें हम फ्राई एग डाल देंगे और ये रेड चिली भी डाल दिया या चाहे नहीं भी डाल सकते और इसे अच्छे से फ्राई. ये देखिए मेरे एक के साथ ये ऑनियन इसमें अच्छे से फ्राई हो गई है. अब इसमें हम पानी डालेंगे. मैंने पानी लिए हैं सारी की क्वान्टिटी में डालेंगे कितना हमको ग्रेवी रखी है. आपको जैसा ग्रेवी रखना है उसमें मैं फिर ग्रेवी बनाऊँगी. इसमें मैं उबलने देंगे. तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ग्रेवी बन गई है, अच्छे से उबल गई है. ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए थे. बस एक बस बॉयल होना था. ये देखिए अच्छे से ग्रेवी ये मिल गई है. इसमें हम 2 चुटकी गर्म मसाला देंगे. 2 चुटकी हमने गर्म मसाला डाल दिया और बस
इसको पकाना मैगी और ये हम गैस तेज करके कर लेंगे। जब हम पानी डालेंगे तब हम गैस तेज कर दें ताकि ये तुरंत पक जाए, इसे हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारी रेडी हो गई है। इसमें डेकोरेशन के लिए ये देखिए गार्निशिंग के लिए हमने ग्रीन कोरिएंडर लीफ डाल दिया और ये हमारी एक करी रेडी हो गई।